हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द आर्ट एंड कल्चर सीरीज। तो जैसे कि आर्ट एंड कल्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है तो एज प्रॉमिस्ड आपने रिस्पांस अच्छा दिया, आपने वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया अपने साइड से, सो वी आर कंटिन्यूइंग दैट। अब क्या होगा, मैं हर वीडियो में आपको एक टास्क दे दूंगा, सिंपल सा टास्क है। फॉर टुडेज वीडियो 700 लाइक्स, दैट इज इट। 700 लाइक जैसे ही पूरे जाएंगे आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। सो प्लीज डू लाइक फ्रॉम योर साइड, अगर आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो प्लीज डू लाइक। अगर आपको पसंद आए कंटेंट मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, सो आई होप आपको पसंद भी आएगी सीरीज। 700 लाइक्स एंड दैट इज इट, आपको अगला वीडियो मिल जाएगा। ओके, व्हाटसो एवर द नंबर ऑफ व्यूज आर, 700 लाइक्स पे आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आप अगर आप देख रहे हैं तो प्लीज डू लाइक इट, प्लीज डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। नाउ लेट्स स्टार्ट। कल मैंने आपको बताया था पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स के बारे में, जो प्री हिस्टोरिक टाइम था, अपर पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड चैल्कोलिथिक पीरियड हमने डिस्कस किया था, वहां पे मैंने आपको सारे पेंटिंग्स एंड इन सब के बारे में बताया था। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे आर्ट एंड कल्चर ऑफ द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के आर्ट एंड कल्चर की हम बात करेंगे, IVC जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले आपको जो मैप दिख रहा है, ये मैप आपको इंडिया का दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको साइट्स दिखाना चाहता हूँ कि इंडस वैली की साइट्स कौन कौन सी थी, उनके नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और कई बार UPSC ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स आर फ्रॉम द IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन, और 1, 2, 3 एंड 4 ऐसे पूछ लेता है। अब क्या है, मोहनजोदड़ो तो सबको पता है, हड़प्पा सबको पता है, ठीक है ना, कालीबंगन पता है सबको, बनवाली पता है सबको, चनहूदड़ो पता है, कोटदीजी पता है, सुरकोटदा, रंगपुर, लोथल, ये सबको पता है। पर क्या रोजदी पता है, भगतराव क्या पता है, ये कागेंडोर पता है आपको, एंड इसके अलावा यहाँ पे दधेरी पता है, भगवानपुरा, हुलास, बालू, सिसवाल, काठपलोरी, गुमला, रहमंधेरी, ये सारी साइट्स भी हैं। तो ये जो मैंने बाद में नाम बताए, गुमला, रहमंधेरी और भगवानपुरा, काठपलोरी, दधेरी, हुलास, ओके, एंड कागेंडोर एंड भगतराव, ये सारी साइट्स भी इंपॉर्टेंट है, इनका भी नाम आप ज़रूर याद रखिएगा। एंड अगर कई बार UPSC अगर आपसे पूछता है इस तरह के सवाल तो आपको बनने चाहिए, है ना, तो इसलिए मैंने आपको ये बताना ज़रूरी समझा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, उसको दिमाग में बिठा के रखिए जो जो साइट्स मैंने आपको बताई है। तो अब स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर आर्ट ऑफ द इंडस वैली। सबसे पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कि जो आर्ट फॉर्म्स थे जो इंडस वैली से हमको मिले हैं वो बहुत अलग अलग के, बहुत वेराइटी ऑफ आर्ट फॉर्म्स मिले हैं। स्कल्पचर्स भी मिले हैं, सील्स भी मिली है, पॉटरी भी मिली है, गोल्डन ज्वेलरी भी मिली है, टेराकोटा फिगर्स भी मिला है, ये सारी चीज़ हमको वहाँ से प्राप्त हुई है। एक एक करके ही हम सारी चीज़ें देखेंगे। दो सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो आर्ट एंड कल्चर एस्पेक्ट से हैं, एक है आपका हड़प्पा, वन इज़ हड़प्पा एंड अनदर वन इज़ मोहनजोदाड़ो, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रेट ग्रेट बाथ आपका मोहनजोदाड़ो में मिलता है, ये आर्किटेक्चरल बहुत बड़ा ब्यूटी एक तरह से आप बोल सकते हैं कि मोहनजोदाड़ो में जो है वो अवेलेबल है, ठीक है ना। तो ये जो हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो की सिटीज़ थी, दे आर द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ सिविक प्लानिंग। सिविक प्लानिंग का सबसे पुराना एग्जाम्पल है, सिविक प्लानिंग का पुराना एग्जाम्पल क्यों है ये सिटीज़, बिकॉज इन सिटीज़ में नालियों की व्यवस्था थी, इवन ड्रेन्स की व्यवस्था थी, जो कि ड्रेन्स क्या करती थी यहाँ पे 90 डिग्रीज पे कट करती थी, 90 डिग्रीज पे रहती थी, रोड्स 90 डिग्रीज पे रहती थी, उन्हीं के साइड में ऐसे ड्रेन्स भी जाती थी, ठीक है ना, इस तरह से साइड से पूरा ड्रेन्स, इस तरह से सिटी इतनी प्लान्ड थी। और हर घर से जो बाथरूम रहता था उस घर से एक ड्रेन निकलती थी और वो ड्रेन जाके सिटी की मेन ड्रेन से मिल जाती थी। बीच बीच में इसमें पॉट होल्स भी बनाए गए थे, मैन होल्स भी बनाए गए थे इन ड्रेन्स में, ताकि उनको धोया जा सके, साफ किया जा सके। बहुत ज़्यादा सिस्टमैटिक सिस्टम था हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो का, इसीलिए कहा जाता है कि ये अर्लीस्ट एग्जाम्पल है सिविक प्लानिंग का, ठीक है ना। इसके अलावा स्टोरेज फैसिलिटीज़, मार्केट्स, पब्लिक बाथ, ये सारी चीज़ें ग्रिड पैटर्न में हमको अवेलेबल मिलती है। ज़्यादातर चीज़ों जो थी हड़प्पा की वो 90 डिग्रीज में ही ग्रिड पैटर्न, जैसे ग्रिड होता है ना, इस तरह का ग्रिड होता है, इसी पैटर्न में मिलती हैं, ग्रिड पैटर्न में। ग्रेनरीज चाहे आप देख लो, चाहे कुछ भी देख लो, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं आपकी हड़प्पा मोहनजोदड़ो में आज भी, एंड ये सारी ग्रिड पैटर्न में अवेलेबल रहती हैं। वाइल हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो आर सिचुएटेड इन पाकिस्तान, ये याद रखना कि हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो की जो सिचुएशन है वो पाकिस्तान में है, देयर सिचुएटेड इन पाकिस्तान। मैंने कल आपको एक एक्सरसाइज दी थी कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं उनकी रिवर्स के नाम मुझे आप लिख के बताइएगा, ओके, उनके रिवर्स के नाम आप मुझे लिख के बताइए। कल कुछ ही लोगों ने लिखा था, प्लीज़ डू अटेम्प्ट दैट
इन टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो के कमेंट में आप ज़रूर इस चीज़ को अटेम्प्ट करिए कि जैसे हड़प्पा कौन सी नदी किनारे था, मोहनजोदड़ो चनहूदड़ो कौन सी नदी किनारे था, इसके अलावा रोपर ये दैमाबाद ये सारी सिटी जो सिटीज़ थी कौन कौन सी रिवर्स के किनारे पे हैं, ये आपको बताना है। दिस इज़ अ क्वेश्चन फॉर यू। आंसर भी बता रहा मैं आपको, सोर्स जो है ये लूसेंट के पहले पेज में ही दिया हुआ है, आपको ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं, लूसेंट के पहले पेज में है, लूसेंट नहीं है तो आप गूगल कर सकते हैं, ठीक है ना। लोथल धौरावीला जो थी वो साइट्स गुजरात में है इंडिया में, रखी गढ़ी है हरियाणा में। आई थिंक रखी गढ़ी जो है सबसे बड़ी साइट है, इंडिया की सबसे बड़ी साइट है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी साइट कौन सी है, तो वो तो आपकी मोहनजोदाड़ो है, मोहनजोदाड़ो। पर अगर बोले कि इंडिया में सबसे बड़ी साइट IVC कौन सी है, तो वो रखी गढ़ी ही है। रखी गढ़ी इज़ द सबसे बिगेस्ट जो साइट इंडिया में है हड़प्पा मोहनजोदाड़ो सिविलाइजेशन की पूरी, वो रखी गढ़ी ही है, ठीक है ना। रोपर पंजाब में है, रखी गढ़ी हरियाणा में है, कालीबंगल और बालाथाल राजस्थान में। देखो बालाथाल भी एक नई साइट आपको मिल गई, बालाथाल भी एक साइट है जो कि राजस्थान में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बनना चाहिए। एंड आई होप आपको ये जो चीज़ें मैंने बताई ये दिमाग में बिठा के रखिएगा, इनको ये गलत मत करिएगा जब क्वेश्चन आएगा। आर्ट एंड कल्चर स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले स्टोन स्कल्पचर्स की बात करते हैं। स्टोन स्कल्पचर्स की बात करते हैं तो दो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं स्टोन स्कल्पचर्स में, हड़प्पन मोहनजोदड़ो में मिलते हैं वो, और वो उनमें से दो जो है, एक है रेड टॉर्सो जो कि रेड सैंडस्टोन का बना है, ओके, एक है टॉर्सो वो रेड सैंडस्टोन का बना है, और दूसरा है बस्ट ऑफ अ बियर्डेड मैन इन स्टियाटाइट। एक बियर्डेड मैन का बस्ट है जो कि स्टियाटाइट का बना है, बियर्डेड मैन स्टियाटाइट का, एंड एक टॉर्सो मिला है जो कि रेड सैंडस्टोन का है। तो ये ज़रूर याद रखना कि किस चीज़ का बना भी है, ऐसा डायरेक्टली UPSC पूछ सकता है कि ये जो इंपॉर्टेंट एक बियर्डेड मैन बना है वो किस इनमें से किस उसका मटेरियल का बना था, स्टियाटाइट का बना था कि रेड सैंडस्टोन का बना था कि किससे ब्रॉन्ज का बना था। तो ये है वो बियर्डेड मैन, आपको दिख रहा होगा, दिस इज द बियर्डेड मैन फोटोग्राफ आपको दिख रहा होगा, एंड ये जो बना है ये बना है आपका स्टियाटाइट से। ये इसी को बोलते हैं बस्ट ऑफ अ बियर्डेड प्रीस्ट। ये प्रीस्ट बोला जा रहा है क्यों, क्योंकि इनकी देखो आंखें जो है, आपको थोड़ा इसकी डिटेल्स भी दिखा देता हूँ। तो अगर आप इसकी आंखें देखोगे तो थोड़ा हाफ क्लोज्ड पोजीशन में है, ओके, ये हाफ क्लोज्ड पोजीशन में है, और इस कारण से लोग इसको बोलते हैं कि ये मेडिटेटिव स्टेट में है, मेडिटेटिव स्टेट में मेडिटेशन कर रहे हैं, दिस इज द रीजन व्हाई इनको प्रीस्ट कहा जाता है। और ये ड्रेपरी देखो ऊपर से, इसने किस तरीके से अपने ऊपर ये ड्रेपरी लगा के रखी है, एंड आईज आर लिटिल इलोंगेटेड आईज आपको दिख रहा होगा, थोड़ा एलिप्स टाइप की लग रहे हैं ना, बड़ी सी, तो elongated eyes है। Nose is well formed, आपका nose दिख रहा होगा इसका proper well formed है, and mouth is of average size का mouth है, इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, and एक आमलेट भी आपको दिख रहा होगा right hand में, okay, ये आपको दिख रहा होगा आमलेट दिख रहा है right hand में, देखो let me show you, ये आर्मलेट दिख रहा है देखो राइट हैंड में, तो ये भी ये यहाँ के लोग पहनते थे आर्मलेट, तो उसका भी एक प्रॉपर रीज़न है कि क्यों पहनते थे। तो ऐसा माना जाता है कि ये लोग भूत प्रेत पर विश्वास रखते थे, उनको दूर भगाने के लिए आर्मलेट ये पहनते थे, तो ये भी एक चीज़ है जो कि आपको सीखने को मिल गई। तो ये है स्टोन स्कल्पचर्स में दो इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया रेड टॉर्सो जो कि रेड सैंडस्टोन का बना है, दूसरा है बस्ट ऑफ अ बियर्डेड मैन जो कि स्टियाटाइट का बना है, ठीक है ना। ब्रॉन्ज कास्टिंग की जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा फेमस है हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो के आर्ट एंड कल्चर में। ब्रॉन्ज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत ज़्यादा ब्रॉन्ज यहाँ पे था नहीं, जबकि ब्रॉन्ज बहुत ज़्यादा अवेलेबल था नहीं, लेकिन ब्रॉन्ज में बहुत अच्छी कास्टिंग करते थे। इसमें जो टेक्निक का इस्तेमाल वो करते थे, अब ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है UPSC के साथ बता रहा हूँ, इसमें जो टेक्निक यूज होती थी वो कहलाती है लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अब एक चीज़ जो इसमें नहीं दी है इस किताब में वो मैं आपको बताता हूँ, इसको बोला जाता है सिरे परड्यू, इसको बोलते हैं क्या, सिरे पर ड्यू बोलते हैं, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन फ्रेंच है टेक्निक है, सिरे पर ड्यू की टेक्निक कहलाती है ये, एंड इसको लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी कहा जाता है। इसका यूज़ किया जाता था ब्रॉन्ज की कास्टिंग करने के लिए। अब देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक मोम का यानी वैक्स का एक मॉडल बना लिया, वैक्स का क्या बना लिया, मॉडल बना लिया। अब वैक्स के ऊपर एक कर देती हैं, ये कोटिंग कर देते हैं, जैसे टेराकोटा से करना है तो टेराकोटा का कर दिया, या स्टियाटाइट करना है तो स्टियाटाइट कर दिया, मतलब क्ले 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 की कोटिंग कर दी। तो एक ये कोटिंग कर दी क्ले की, ठीक है ना, क्ले की कोटिंग कर दी। अब क्या करते थे, जैसे मान लो ये इंसान का मॉडल बनाया था, ठीक है ना, एक इंसान का ऐसे मॉडल इन्होंने बनाया, ठीक है, इस तरीके से इन्होंने वैक्स का बना दिया, और बहुत अच्छी तो नहीं बनी है, ये वैक्स का बना दिया। अब इसके ऊपर उन्होंने ये कोटिंग कर दी क्ले की, ठीक है, सेम इसके ऊपर इसी शेप का कोटिंग कर दिया, क्ले का कर दिया।
अब वो क्या करते थे, एक छेद कर देते थे, एक होल कर देते थे यहाँ पे, और इसको गर्म कर देते थे, हीट कर देते थे। हीट करने से क्या होता था कि पूरा वैक्स पिघल के निकल आता था। जब वैक्स निकल आता था, इस होल में जगह बनती थी, है ना, इस ये होल रहता ही था। अब पूरा वैक्स निकल गया तो ये खोखला हो गया। जब ये खोखला हो गया तो इसके अंदर भर दिया उन्होंने एकदम हीटेड मेल्टेड मेटल, मेटल जिसका भी बनाना है ब्रॉन्ज का, तो ब्रॉन्ज इसमें भर दिया। तो क्या होता था, जब ये सूख जाता था तो ऊपर का क्ले हटा देते थे और अंदर अपने को ब्रॉन्ज का वो स्टैचू मिल जाता था। तो ये कहलाते हैं लॉस्ट वैक्स टेक्निक, मतलब कि वैक्स से पहले बनाया फिर अंतिम में वैक्स को गायब कर दिया, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक कहलाती है। इसे सिरे परड्यू भी कहा जाता है, सिरे परड्यू भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट ये ब्रॉन्ज का एक स्टैचू है जो कि हड़प्पन मोहनजोदड़ो से रिलेटेड है, वो है स्टैचू ऑफ अ गर्ल प्रोबेबली टाइटल्ड डांसिंग गर्ल। इसको डांसिंग गर्ल कहा जाता है, ये मोहनजोदड़ो से मिला है ये स्कल्पचर, याद रखना, ये मोहनजोदड़ो से मिला है। डांसिंग गर्ल का, डांसिंग गर्ल कहा जाता है इसको, ठीक है। लेट मी शो यू, लिख के बता देता हूँ, ये कहते हैं डांसिंग गर्ल। ये किसका था, ये था आपका ब्रॉन्ज का। अभी मैंने आपको तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दी, एक मैंने बस्ट ऑफ अ बियर्डेड मैन बता दिया जो कि स्टियाटाइट का था, एक टॉर्सो बता दिया जो कि रेड सैंडस्टोन का था, डांसिंग गर्ल आपको बता दिया जो कि ब्रॉन्ज का था। डांसिंग गर्ल किसका था, ब्रॉन्ज का था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बता दिया है मैंने, इसको याद रखना, दिमाग में रखना, ठीक है ना। एंड इसमें कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे एक बफेलो भी है, ओके, बफेलो भी मिलता है यहाँ पे, आप ये हाईलाइटेड है मैंने ये वाला पोर्शन, बफेलो विद इस अपलिफ्टेड हेड बैक एंड स्वीपिंग हॉर्न्स एंड द गोट आर ऑफ आर्टिस्टिक मेरिट। एक बकरी भी है, एक बफेलो भी मिली है आपको, और ये जो चीज़ है बेसिकली ये ब्रॉन्ज की बहुत बड़ी जो शोकेस करती है आर्ट एंड कल्चर को वहाँ के। ब्रॉन्ज कास्टिंग वॉज पॉपुलर एट ऑल द मेजर सेंटर्स ऑफ द IVC, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के हर सेंटर में ब्रॉन्ज कास्टिंग होती थी। लॉस्ट वैक टेक्निक्स यानी कि आपका सिरे पर्डी को यूज़ करके वहाँ पे की जाती थी। एंड इसमें कॉपर डॉग्स एंड बर्ड एट लोथल, दो और फिगर्स के नाम है, एक है कॉपर का डॉग मिला है और बर्ड मिली है लोथल में, एंड ब्रॉन्ज फिगर मिला है एक बुल का कालीबंगन से, ओके। तो कालीबंगन, कालीबंगन की साइड मैंने कहाँ बताया था अभी, ओके, बताया था ना कालीबंगन की साइड कहाँ पर है, तो कालीबंगन आपकी जो साइट है वहाँ पे आपका एक बुल मिला है ब्रॉन्ज फिगर, बुल मिला है ब्रॉन्ज का, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, ये नाम भी याद रखना अपने से कि ये कहाँ पे क्या मिला है, है ना, ऐसे बिल्कुल ये सारी चीज़ें भी दिमाग में रखना चाहिए। और एक जो साइट दैमाबाद की है महाराष्ट्र में, इट वाज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ मेटल कास्टिंग। दैमाबाद बहुत बड़ा एग्जांपल है, वहाँ बहुत सारे ब्रॉन्ज के आपको, इनफैक्ट सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ अगर इंडस्ट्रीज पूछो ब्रॉन्ज की कहाँ पे थी, तो वो आपकी दैमाबाद वाली साइट पे ही थी, बहुत ज़्यादा फेमस है दैमाबाद, है ना, बहुत अच्छा सेंटर है महाराष्ट्र में ये पड़ता है। लॉस्ट वैक्स टेक्निक्स यानी कि सिरे परड्यू आप जरूर याद रखना जो मैंने आपको बताया। अब आगे हम बात करेंगे टेराकोटा की, ओके, टेराकोटा की बात होगी। तो टेराकोटा में जो सबसे बेहतरीन रिप्रेजेंटेशन है वो है मदर गॉडेस का। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ टेराकोटा फिगरीन इज मदर गॉडेस। टेराकोटा फिगरीन का जो सबसे बड़ा एग्जांपल है IVC में, हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन में, वो है आपका मदर गॉडेस। आपको ये दिख रहा होगा मदर गॉडेस, मैं आपको दिखा देता हूँ, दिस इज द मदर गॉडेस टेराकोटा इमेज, ये मदर गॉडेस टेराकोटा फिगरीन है, और एक और टेराकोटा फिगरीन ये आपको दिख रहा होगा। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ टेराकोटा आर्ट। तो टेराकोटा की भी आर्ट एंड कल्चर वहां पे काफी कुछ देखने को मिलते हैं। अब एक और एग्जांपल है, वहां पे टेराकोटा मास्क भी मिला है ऑफ अ हॉर्नड डीटी, टेराकोटा मास्क ऑफ अ सिंगल हॉर्नड डीटी विच हैज बीन फाउंड। टॉय कार्ड्स विद व्हील्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, एंड ये आपको दिख रहा होगा, देखो नीचे दिखा देता हूँ मैं, ये आपको हॉर्नड डीटी दिख रही है ना, ये बेसिकली एग्जांपल्स हैं। ये सब जो चीज़ें हैं ये सारी टेराकोटा के ही हैं, ये सारे टेराकोटा के ही फिगरीन्स हैं जो कि अलग अलग बने हैं। तो टेराकोटा आर्ट भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के एस्पेक्ट से इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो एग्जांपल्स जो है टेराकोटा का सबसे एग्जांपल, अच्छा एग्जांपल है वो है मदर गॉडेस का। इसके अलावा ब्रॉन्ज का मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल बताया डांसिंग गर्ल, इसके अलावा एक बुल मैंने आपको बताया और जो कि कालीबंगन से मिला है, इसके अलावा मैंने आपको स्टोन स्कल्पचर से बताया बियर्डेड मैन, बस्ट ऑफ अ बियर्डेड मैन जो कि स्टियाटाइट का बना था, एंड मोहनजोदड़ो का रेड सैंडस्टोन टॉर्सो जो रेड सैंडस्टोन में बना था वो बताया। आगे बता दूं, सील्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे बनती थी, सील का उपयोग बहुत ज़्यादा किया जाता था। तो सील्स भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्ट एंड कल्चर में जो कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सील। अब सील का उपयोग क्या किया जाता रहा होगा, सबसे पहली बात कि अगर आपसे कोई पूछे कि सील का उपयोग किस चीज़ में किया जाता था, तो सील का जो सबसे बड़ा पर्पस था वो पर्पस कमर्शियल पर्पस था। वहाँ पे बेसिकली तरीके से आइडेंटिटी कार्ड की तरह सील का यूज़ किया जाता था, ठीक है, इसको याद रखना, आइडेंटिटी कार्ड की तरह और एक तरह से कमर्शियल पर्पस के लिए सील का यूज ज्यादा किया जाता था। अब जो सील की साइज थी वो भी डिसाइडेड थी हड़प्पा में,
ओके ऐसा नहीं था कि कुछ भी यूज कर लेते थे वो लोग, 2x2 का स्क्वायर प्लैक यूज करते थे। 2x2 का एक स्क्वायर रहता था, उस स्क्वायर प्लैक में ही सील बनती थी, फिर इसमें अंदर कुछ कुछ पिक्टोग्राफिक ऐसे रिप्रेजेंटेशन रहता था। हर सील कुछ रिप्रेजेंट करती थी, बहुत सारी सील्स आपको मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में भी मिलती है। तो वही एक एविडेंस है जो कि बताता है कि हमारा ट्रेड जो था वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के साथ चलता था। ठीक है, तो सील्स की अवेलेबिलिटी से ही पता चलता है कि वहां पे हमारा ट्रेड चलता था कुछ, ठीक है ना। एंड सील्स वर ऑल्सो यूज एज एमुलेट्स, सील्स का यूज एमुलेट्स की तरह भी किया जाता था। कैरीड ऑन द पर्सन ऑफ देयर ओनर्स परहैप्स एज मॉडर्न डे आइडेंटिटी कार्ड। तो जब सील्ड ये जो सील्स हैं ये जब एमुलेट्स की तरह यूज होने लगे हैं तो समझ लेना कि वो आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम कर रही हैं। अदरवाइज जैसे एक ट्रेड का कोई बोरी गई, इस बोरी के ऊपर एक सील लगा देते थे, वो सील लगा देते थे, उससे लॉक कर देते थे, तो उससे आदमी को उस सामान की इंटीग्रिटी का पता चलता है कि हाँ ये चीज़ कहीं खुली नहीं है। जैसा आज होता है ना सील लगाने का काम, वही काम रहता था। 2x2 का प्लैक रहता था, आइडेंटिटी कार्ड की तरह यूज़ होता था, एमुलेट में यूज़ होता था, कमर्शियल पर्पज में ट्रेड के लिए यूज़ होता था बेसिकली, याद रखना। अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ सील्स कहाँ से मिली है, हाईएस्ट नंबर ऑफ सील्स कहाँ से मिली है, तो वो मिली है आपको मोहनजोदाड़ो से। ओके याद रखना, हाईएस्ट नंबर ऑफ जो सील मिली है वो सबसे अधिक कहाँ से मिली है, मोहनजोदाड़ो से मिली है। एंड जो सबसे अधिक रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिकॉर्न का बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन है सील्स में, यूनिकॉर्न का रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा आपको सील्स में देखने को मिलेगा, बुल्स का, यूनिकॉर्न का, सबका मिलेगा। ये देखो सील, यूनिकॉर्न की एक सील आपको देख भी रही होगी, ये यूनिकॉर्न सील बहुत ज़्यादा फेमस है एंड इसका काफी रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है। एक जो सील सबसे इंपॉर्टेंट है वो है पशुपति नाथ की सील, उसको पशुपति नाथ सील बोलते हैं। एंड उसमें एक डीटी बैठे हैं, उनके अगल बगल चार एनिमल्स हैं, उनके नीचे दो एनिमल्स बैठे हैं। तो अब याद रखना ये जो डीटी इनको पशुपति बोला जाता है, और उनके जो एनिमल्स हैं उनको याद करना है पड़ेगा आपको। यूपीएससी कई बार एनिमल्स पूछ लेता है कि कौन कौन से एनिमल्स हैं, इनमें से कौन से एनिमल है, कौन से एनिमल नहीं है, तो ऐसा भी आपसे यूपीएससी पूछ सकता है। तो आपको मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, ब्रेटली का नाम सुना है ना आपने, आप सबने ब्रेटली का नाम सुना होगा ना, तो पशुपतिनाथ की सील में याद रखना ब्रेटली ही है। ब्रेटली यानी कि बुल एंड राइनो, आपका एलिफेंट एंड आपका टाइगर, ये याद रखना। एलिफेंट है, एक टाइगर है, और एलिफेंट एंड टाइगर आर डिपिक्टेड टू द राइट साइड ऑफ द सीटेड फिगर, वाइल लेफ्ट में आपका राइनोसेरस एंड बफेलो है। ओके सॉरी बफेलो है, नॉट बुल। ओके नॉट बुल, इट्स बफेलो, याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको करेक्ट कर लेना। इट्स नॉट बुल, इट्स बफेलो। बफेलो राइनोसेरस एंड टाइगर एलिफेंट, बफेलो राइनोसेरस एलिफेंट एंड टाइगर, दीज आर द इम्पॉर्टेंट एनिमल्स जो कि इस पशुपतिनाथ की सील के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। बफेलो राइनोसेरस एलिफेंट एंड टाइगर, ये चार नाम याद रखना। बफेलो, मैं फिर से बार बार करेक्ट करके बोल रहा हूँ, बफेलो है, राइनोसेरस है, एलिफेंट है एंड टाइगर है, ठीक है ना। एंड इसके एडिशन में दो एंटीलोप्स, दो डियर, यानी कि एंटीलोप्स डियर भी वहाँ पे इनके पैरों पे दो एंटीलोप्स बैठे हैं, दो डियर बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो आपको ये बिल्कुल याद होना चाहिए कि पशुपतिनाथ सील के आसपास ब्रेट है, ब्रेट में आपको नीचे पैर पे दो एंटीलोप्स यानी कि डियर मिलेंगे, और चार एनिमल जो राइनोसेरस, बफेलो और टाइगर एंड इसके अलावा एलिफेंट, ये चार आपको एलिफेंट मिलेंगे, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर इसके बाद पॉटरी की अगर बात करें तो प्लेन पॉटरी ज़्यादा कॉमन थी देन पेंटेड वेयर। तो अगर हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में पॉटरी की बात करें तो पॉटरी भी बहुत सारी साइट से मिला है, वहाँ पे प्लेन पॉटरी ज़्यादा मिली है, ज़्यादा कॉमन है पेंटेड वेयर से। अब यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट वन, पेंटेड पॉटरी इन हड़प्पा सिविलाइजेशन वर मोर देन दैट ऑफ प्लेन पॉटरीज, स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि प्लेन पॉटरी ज़्यादा थी वहाँ पे, पेंटेड पॉटरी कम थी। तो इस तरीके से बिटवीन द लाइंस क्वेश्चन वो पूछते हैं यूपीएससी वाले, ठीक है ना। और जो प्लेन पॉटरी मिलती थी वो जनरली आपको रेड क्ले की मिलती थी और विदाउट अ फाइन रेड और ग्रे स्लिप, ये मिलती थी। ब्लैक पेंटेड वेयर भी कई बार मिलते हैं, और ब्लैक पेंटेड में ऊपर आपको रेड स्लिप या उसके ऊपर कुछ ज्योमेट्रिक एनिमल डिज़ाइन बना हुआ मिल जाएगा। तो इस तरीके से डिज़ाइनर पॉटरीज भी आपको मिलती थी वहाँ पे, एंड ये भी आपको याद रखना है। पॉलीक्रोम पॉटरी जो थी वो रेयर थी एंड मेनली कंप्राइज स्मॉल वेसेस। ओके तो पॉलीक्रोम जो थी, पॉलीक्रोम मतलब अलग अलग मल्टीपल कलर्स की जो पॉटरीज थी वो कम देखने को मिलेंगी आपको हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो में। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पॉलीक्रोम पॉटरी जो थी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, वो रेयर है और रेयरली ऐसा रहता है, ठीक है ना। एंड इंसाइज्ड वेयर यानी थोड़ा सा कटे हुए इंसाइज्ड वेयर, जो कटिंग वाले वेयर रहते हैं वो भी कम है। इंसाइज्ड वेयर वर ऑल्सो रेयर, इंसाइज्ड भी रेयर है और आपकी जो पॉलीक्रोम यानी कि मल्टीपल कलर की जो पॉटरीज हैं वो भी रेयर हैं, वो भी रेयर हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। प्लेन पॉटरीज ज़्यादा हैं, प्लेन पॉटरीज ज़्यादा देखने को मिलेगी देन दैट ऑफ योर पेंटेड
पॉटरीज, ठीक है ना, एंड पॉटरी फॉर हाउस होल्ड पर्पज इज फाउंड इन मेनी शेप्स एंड साइजेस, बहुत सारी शेप्स एंड साइजेस में मिलती हैं, स्ट्रेट एंड एंगुलर शेप्स आर एक्सेप्शन, ओके, तो स्ट्रेट या एंगुलर शेप्स जो थे वो एक्सेप्शन है, वाइल ग्रेसफुल कर्व्स आर द रूल, कर्व्स में ज़्यादा बनते थे पॉटरीज, और ऐसे स्ट्रेट या एंगुलर इस तरीके से चीज़ें कम बनती थी, ठीक है ना, ऐसे सर्कुलर इस तरह से, एलिप्टिकल, डायगोनल इस तरह से ज़्यादा बनती हैं, लेकिन स्ट्रेट या फिर आप इस तरह से आप कहो कि एंगुलर, इस तरह से एंगुलर वाली चीज़ें थोड़ा कम बनती हैं, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है। बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स, तो क्या बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स का यूज़ करते, तो हाँ बिल्कुल वो यूज़ करते थे बीड्स एंड ऑर्नामेंट्स का, काफ़ी ज़्यादा डेकोरेटिव रहते थे वो, नेकलेसेस पहनते थे, आमलेट्स पहनते थे, फिंगर रिंग्स पहनते थे, ये सब कॉमन थे। तो अगर आपसे कल को यूपीएससी पूछता है कि वो डेकोरेटिव ऑर्नामेंट्स का यूज़ नहीं करते थे, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, वो करते थे और बहुत ज़्यादा सज संवर के रहते थे, उनका विमेन का अलग रहता था और इंसानों का अलग रहता था, मतलब मेल्स का अलग रहता था, सॉरी। एंड ऑल द ऑर्नामेंट्स वर वेल क्राफ्टेड, सारे जो ऑर्नामेंट्स थे बहुत ज़्यादा अच्छे क्राफ्टेड थे। प्लस एक सेमेट्री मिली है आपकी फरमाना हरियाणा में, हरियाणा में आपको एक सेमेट्री मिलती है, वहाँ पे आपने, वहाँ पे ये देखा गया कि डेड बॉडी के साथ ऑर्नामेंट्स भी डाले गए, मतलब कि एक तो वो लाइफ आफ्टर डेथ में भी विश्वास रखते थे, ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि लाइफ आफ्टर डेथ में वो विश्वास रखते थे, वो विश्वास रखते थे, इसलिए मरने के बाद वो बरियल साइट्स पे कुछ ना कुछ डालते थे, तो लाइफ आफ्टर डेथ में विश्वास रखते थे। एंड बीड्स जो बनते थे वहाँ पे वो कॉर्नेलियन, एमेथिस्ट, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, टियाटाइट, टर्कोइज, लापिस लजूली, ये अफगानिस्तान से आता था। लापिस लजूली कहाँ से मिलता था? ये अफगानिस्तान से हमको मिलता था। अगर आपसे यूपीएससी पूछता है कि लापिस लजूली हमको कहाँ मिलता था, कहाँ से मिलता था, तो हमको अफगानिस्तान से मिलता था लापिस लजूली, यही एक इंपॉर्टेंट जो पूछेंगे। और इसके अलावा वो ये पूछ सकते हैं बेसिकली कि कॉपर कहाँ से आता था, तो कॉपर तो हमारे इंडिया में ही क्षेत्रीय माइंस है, ओके, क्षेत्रीय माइंस है इंडिया में ही, राजस्थान में आई थिंक ये माइंस है, तो वहीं से हमको मिलती थी आपकी ये कॉपर हमको वहाँ से मिलता था। गोल्ड भी हमारा कर्नाटका से मिल जाता था, कोलार गोल्ड फील्ड्स जो वाले रीजन है वहाँ से हमको गोल्ड मिल जाता था कर्नाटका से, तो ये भी आपको याद रख सकते हैं अगर आपको याद रखना है। ये एनसीआरटी में तो नहीं दिया है, ये आपको ल्यूसेंट में ज़रूर दिया है कि कहाँ से क्या कौन सा एलिमेंट हमको कहाँ से मिलता था। इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल्स एंड स्पिंडल वर्स। अब देखो एक बहुत अच्छा कंक्लूजन निकाला एनसीआरटी ने कि इट इज़ एविडेंट फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पिंडल्स एंड स्पिंडल वर्स। बहुत सारे स्पिंडल्स आपको देखने के कपड़े जो जैसे बुनाई होती ना वो वूल वूल का अलग अलग वो बहुत सारे आपको मिलते हैं और उनके ऊपर जिन पे रख के किया जाता है, और स्पिंडल वर्क्स भी बहुत सारे मिले हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये शोकेस करता है कि जो कॉटन स्पिनिंग थी, स्पिनिंग ऑफ कॉटन था और वूल था, वो बहुत ज़्यादा कॉमन था। तो ये आप एक पैटर्न निकाल सकते हैं कि जो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, स्पिनिंग ऑफ कॉटन एंड वूल वॉज वेरी कॉमन, स्पिनिंग ऑफ कॉटन वूल वॉज वेरी कॉमन, एंड द फैक्ट दैट बोथ द रिच एंड द पुअर प्रैक्टिस्ड स्पिनिंग। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकल के आता है कि स्पिनिंग वॉज परफॉर्म बाय बोथ रिच एंड पुअर, तो रिच एंड पुअर दोनों स्पिनिंग करते थे। ये आपको कंक्लूजन मिलता है फ्रॉम दिस एविडेंस, जो कॉटन ये आपको स्पिंडल्स एंड स्पिंडल वर्स मिले हैं, स्पिंडल एंड स्पिंडल वर्स, तो यहाँ से यहीं से यूपीएससी स्टेटमेंट उठाएगा, स्टेटमेंट क्या उठाएगा कि बोथ रिच एंड पुअर वर अवेयर ऑफ स्पिनिंग ऑफ कॉटन, बोथ वर डूइंग द स्पिनिंग ऑफ कॉटन, ये सारी चीज़ें पूछ सकता है यूपीएससी। तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हाँ भैया बहुत सारे स्पिंडल्स मिले थे, जहाँ जो कि शोकेस करता है कि वहाँ पे रिच एंड पुअर सभी लोग स्पिनिंग का काम जानते थे एंड स्पिनिंग करते थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखी गई हैं फैशन के टर्म्स में। सिन्नाबार का यूज़ किया जाता था महिलाओं द्वारा फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस, तो ये अंदर की चीज़ें हैं जो निकाल रहे हैं हम लोग। सिन्नाबार वॉज यूज एज कॉस्मेटिक एंड फेस पेंट, ओके, सिन्नाबार का यूज़ करते थे कॉस्मेटिक एंड फेस पेंट की जगह। लिपस्टिक एंड कॉलेरियम आईलाइनर वाज आल्सो नोन टू देम, तो अगर आपसे कोई पूछे कि लिपस्टिक कॉलेरियम क्या उनको पता था आईलाइनर के बारे में, तो बिल्कुल पता था, आप लोगों को नहीं पता, बल्कि अभी कुछ लोगों को आप में से नहीं पता होगा इन लिपस्टिक एंड कॉलेरियम के बारे में, लेकिन उनको ज़रूर पता था, वो बहुत आगे थे, समय से आगे चल रहे हैं, है ना। मैनी स्टोन स्ट्रक्चरल रिमेन्स आर ऑल्सो फाउंड एट धौलावीरा विच शो दैट हाउ द आईवीसी यूज्ड स्टोन्स इन कंस्ट्रक्शन। तो एक और हमको अंदर की चीज़ मिली कि धौलावीरा में ऐसा एविडेंस मिले हैं कि आईवीसी के लोग स्टोन्स का यूज़ करते थे कंस्ट्रक्शन पर्पज़ में,
स्टोन्स का यूज करते थे। तो ये देखो लाइन लिखी हुई है कि मैनी स्टोन स्कल्चर्स स्ट्रक्चरल रिमेन्स हैव शोन दैट इंडस वैली पीपल यूज स्टोन इन कंस्ट्रक्शन। ये धौलावीरा जो कि गुजरात में साइट है यहाँ से हमको मिलता है और ये शोकेस करता है कि वहाँ पे स्टोन का काम भी करते थे लोग, स्टोन से भी कंस्ट्रक्शन करते थे। तो ये सारे फैक्ट्स हमको मिल गए। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग द आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब मैं आपको फोटोग्राफ सारी दिखाऊंगा, जितने भी इमेजेस हैं वो सारी दिखाएंगे ताकि आपके दिमाग में भी तो बैठे। बात करते हैं डांसिंग गर्ल की। डांसिंग गर्ल का भी आपको एकदम पूरा रिप्रेजेंटेशन दिखा देता हूं मैं। डांसिंग गर्ल सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि ये मिली थी कहाँ पे, ये मिली थी मोहनजोदाड़ो में। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये कहाँ मिलती है, मोहनजोदाड़ो से मिलती है। आपको ये इसका लेफ्ट हैंड दिख रहा है, ये लेफ्ट हैंड है उसका। लेफ्ट हैंड में आपको उसका बैंगल्स दिख रहे होंगे, कवर हर लेफ्ट आर्म, उसकी जो लेफ्ट आर्म है पूरा बैंगल्स से कवर्ड है देखो, है ना। और उसको एक एमुलेट भी आपको दिख रहा होगा, एक एमुलेट भी इस इसने, ये देखो ये एमुलेट वाला रीजन है, यहाँ एमुलेट लगा के रखा है इसने, ठीक है ना। एंड काउरी शेल नेकलेस, ये शेल का नेकलेस आपको दिख रहा होगा, देखो ये भी नेकलेस आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। एंड हैज लार्ज आईज एंड फ्लैट नोज, आईज देखो बड़ी बड़ी हैं, नोज फ्लैट है। तो इस तरीके से आपको डांसिंग गर्ल का पूरा कैमरा स्ट्रक्चरल जो वो था वो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको ये दिखता है। अब इसको याद रखना, ये किसका बना था, ये डांसिंग गर्ल जो है ये ब्रॉन्ज का बना है। ये आपको कहाँ मिलता है, ये आपको मिलता है मोहनजोदाड़ो पे, मोहनजोदाड़ो में ये मिलेगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग, ओके। फिर ये बुल जो मैंने बात की थी, ये भी ब्रॉन्ज का बुल था, ये भी मोहनजोदाड़ो से ही मिला था, याद रखना। ये ब्रॉन्ज का ही बुल है, ये मिला है मोहनजोदाड़ो से। एंड इट्स ऑल्सो डिजर्व्स द मेंशन, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये बुल का, ये पूरा बुल का रिप्रेजेंटेशन आपको दिख रहा होगा। एंड ये भी आपको कहाँ से मिला है, ये मोहनजोदाड़ो से ही मिला है। एंड द एनिमल इज शोन स्टैंडिंग विद हिज हेड टर्न्ड टू द राइट एंड विद अ कॉर्ड अराउंड द नेक, एक कॉर्ड भी आपको नेक के अराउंड दिखेगी, हेड जो है इसका टर्न्ड है टुवर्ड्स राइट, हेड टर्न है टुवर्ड्स राइट एंड देर इज अ कॉर्ड अराउंड द नेक। तो ये वाली चीज़ें भी आप दिमाग में बैठा करके यूपीएससी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो याद रखेगा। मैंने आपको बताया था स्टोन स्कल्चर में मेल टॉर्सो, ये टॉर्सो कहलाता है, मतलब कि इस केवल धड़ धड़ वाला पोर्शन देखो आपको दिख रहा होगा एक तरीके से, तो ये मेल टॉर्सो का है। ये रेड सैंड स्टोन का है, किसका बना है, रेड सैंड स्टोन का। ये कहाँ से मिला आपको, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड स्टोन स्कल्पचर है, स्टोन स्कल्पचर्स के अंदर आता है, रेड सैंड स्टोन से बनता है ये। फिर आपको पेंटेड अर्दन जार भी मिलेंगे, ये मोहनजोदाड़ो में आपको पेंटेड अर्दन जार मिला है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या कोई अर्दन जार था जो पेंटेड मिलता था, हाँ बिल्कुल मिलता था, ये मोहनजोदाड़ो से ही अपने को मिला है। मदर गॉडेस आपको दिख रहे हैं, फिगरीन है, टेराकोटा फिगरीन मदर गॉडेस का, ये दिखाता है कि वहाँ पे मदर गॉडेस की भी पूजा की जाती थी। तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में ये दिखाता है कि वहाँ मदर गॉडेस की भी पूजा की जाती थी। और ब्रेट जरूर याद रखना, यानी कि बफेलो, राइनोसरस, एलिफेंट एंड टाइगर, ये है पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ को कवर करने वाले एनिमल्स। और पैरों पे दो एंटीलोप यानी कि डियर बैठे हुए हैं, हिरण बैठे हुए हैं, ओके याद रखना, एंटीलोप बैठे हुए हैं पैरों पे। तो ये पूरा ओवरऑल आपका एनालिसिस हो गया आर्ट एंड कल्चर ऑफ द हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो सिविलाइजेशन फ्रॉम एनसीईआरटी क्लास 11th। और ये जो मैप है ये अगले चैप्टर के लिए, तो ये हम कल पढ़ेंगे जब हम अगला चैप्टर डिस्कस करेंगे। बट ये आपको पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब अगर आप बुक से पढ़ना चाहें तो बुक से पढ़ लें, बुक से नहीं पढ़ना चाहें तो दो तीन बार इसी को रिवाइज कर लें जो मैंने पढ़ाया है। इसके अलावा बाहर की कोई चीज़ इस किताब में नहीं है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक आवर वीडियो। और हाँ, ये सारे जब सीरीज खत्म हो जाएगी तो जो भी पार्ट बचा हुआ रहेगा मुझे लगेगा वो सारा मैं अपनी नोट से ढूंढ ढाड़ के आपको बता दूंगा। तो अभी अपन एनसीईआरटी कंप्लीट करते हैं पहले फोकस के साथ, जब ये एनसीईआरटी हो जाएगी तो फिर हम और एडेड मटेरियल सीसीआरटी से सारी चीज डाल देंगे। लेकिन प्लीज आपको जो काम करना है वो आप करिएगा, प्लीज डू लाइक, प्लीज डू शेयर एंड प्लीज डू सब्सक्राइब, प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर करिए, दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।